दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो आप क्या प्रिपरेशन करके जाएं, मींस क्या तैयारी करके जाएं, जिससे कि आपके लिए भी आसानी हो और डॉक्टर के लिए भी आसानी हो। प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पे भीड़ होती है, पेशेंट जाता है क्लिनिक में और चाहता है कि डॉक्टर साहब हमको टाइम दें, बट भीड़ काफी होने की वजह से उतना टाइम दे पाना संभव नहीं होता। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिपरेशन पहले से ही करके जाना है। जैसे क्या प्रिपरेशन करना है, आपको अपनी कंप्लेन, यदि आप भूल जाते हैं तो आपकी कंप्लेन को नोट डाउन कर लेना है, लिख के लेके जाना है कि मुझे क्या क्या डॉक्टर साहब को बताना है। कभी कभी क्या होता है, ये वीडियो मेरे बनाने का मतलब ये हुआ कि पेशेंट दवा लिखने के बाद पेशेंट फिर बाहर जाता है, फिर चेंबर में आता है, बोलता है डॉक्टर साहब ये मैं भूल गया। कभी कभी पेशेंट घर पे जाके फोन करता है और मेरे असिस्टेंट से बोलता है कि डॉक्टर साहब से, ये मैक्सिमम जगह प्रॉब्लम आती है डॉक्टर के साथ कि पेशेंट घर जाके फोन करता है कि सर मैं ये बताना भूल गया, ये मुझे एक और प्रॉब्लम है। तो उसका सबसे अच्छा सलूशन यह है कि आप अपना कंप्लेन नोट डाउन कर लें, एक एक कंप्लेन लिख लें ताकि आपको बताने में इजी रहे। दूसरी क्या बात होती है, दूसरा पेशेंट पूछना चाहता है कि उसे कोई जांच की जरूरत है क्या, इस बीमारी में कोई जांच की जरूरत है। इसमें भी पेशेंट भूल जाता है, जो अपनी कंप्लेन बताते बताते ये नहीं पूछ पाता है मुझे कोई जांच की भी जरूरत है, कोई टेस्ट की जरूरत है। तो आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है मुझे क्या पूछना है। पूछ सकता है कि मुझे जांच की, क्या परहेज करना है, ये तो अक्सर होता है क्लिनिक में, बाहर निकल के पेशेंट गया और हम लोग भी कभी कभी मिस कर जाते हैं, पेशेंट को नहीं बताते हैं कि क्या परहेज करना है। जैसे एक कंसेप्शन बना हुआ है पेशेंट के माइंड में कि खट्टी चीज नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, तो किसी कुछ केसेज में नहीं खाना है। अब ऐसा जैसे रीनल स्टोन के केस में मैं क्या करता हूँ, जो परहेज बताता हूँ, पालक बैगन गोभी टमाटर ये सब परहेज बताता हूँ। लेकिन हम लोग परहेज जो बताते हैं वो डिजीज के अकॉर्डिंग परहेज बताते हैं। जैसे उसको सर्वाइकल पेन है तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें तकिया नहीं लगाना है, चौकी पे सोना है, गर्दन स्ट्रेट रखना है, कुछ एक्सरसाइज भी बताता हूँ कि ये आपको एक्सरसाइज करनी है। इस तरह की चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप पूछ सकते हैं क्या कोई एक्सरसाइज की जरूरत है। तो इस तरह अपनी कंप्लेन आप नोट करके लेके जाते हैं, आपको क्या क्या पूछना है ये नोट करके लेके जाते हैं, तो आपके लिए भी और डॉक्टर साहब के लिए भी बहुत आसान होता है, आपको कम समय में आपका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। अब बात पे, ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, अब बात करेंगे कि क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट आता है एक्यूट केस का, दूसरा पेशेंट आता है क्रोनिक केस का। एक्यूट केस क्या होता है, ऐसे कंप्लेन जो एकाएक आए हो, कुछ समय से आए हो, फॉर एग्जांपल हेडेक, उसको सर में दर्द, पुराना भी सर दर्द हो सकता है, फॉर एग्जांपल माइग्रेन, बट एकाएक तीन चार दिन से सर में दर्द है, बुखार है, दो तीन दिनों से बुखार है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं, पांच दिनों से सात दिनों से बुखार है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं एक्यूट प्रॉब्लम। वहीं पे यदि पेशेंट को जोड़ों में दर्द है, बहुत दिनों से जोड़ों में दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर इस तरह की जो भी गंभीर समस्याएं हैं, वो कैल्केनियस स्पर भी हो सकता है, गाउट हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, इस तरह की यदि कंप्लेन आती है तो फिर हम लोग केस पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं। एक्यूट केस में आसानी से जो मैं करता हूं, बहुत आसानी से केस टेकिंग करता हूं, कैसे करता हूं, प्रेजेंट कंप्लेन ले लेता हूं, तुमको प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम कब बढ़ती है कब घटती है, तुम्हारी प्यास क्या है, ये छोटे छोटे सिम्टम्स के आधार पर हम पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। बट होम्योपैथी जिस चीज के लिए आम लोगों के बीच में प्रचलित है, पुराने रोग और असाध्य रोग को आसानी से सही किया जा सकता है, बिल्कुल इसको आसानी से सही किया जा सकता है। पेशेंट इसमें पेशेंट का कोऑपरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब आप हमको मेरा दर्द आराम दे दीजिए। ये हम लोग के यहाँ अक्सर इस तरह के पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको दर्द आराम दे दीजिए, बाकी आप जितने दिन कहेंगे मैं दवा करता रहूंगा। तो सडन दर्द तभी दर्द गायब हो सकता है जब आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी।
इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पेशेंट को भी इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि घर में हमारे एक चूहा मर गया है और उसकी वजह से रूम में स्मेल आ रहा है, तो क्या हम उसमें परफ्यूम रूम में स्प्रे करेंगे या फिर उस चूहे को उठा के फेंकेंगे? यदि चूहे को उठा के फेंक देते हैं तो मेरी जो घर में स्मेल है वो परमानेंट खत्म हो गई, लेकिन यदि हम वहीं पे परफ्यूम या रूम फ्रेशनर मार देते हैं तो तब तक ही काम करेगा जब तक रूम फ्रेशनर काम कर रहा है। जैसे जैसे रूम फ्रेशनर काम करना कम हुआ वैसे वैसे क्या होगा, स्मेल और बढ़ेगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल से पेशेंट को समझाया जा सकता है, पेशेंट कोऑपरेट भी करते हैं। अब बात करेंगे कि मैं कैसे क्रोनिक केस में मैं केस कैसे पेशेंट से कैसे सवाल करता हूँ, किस तरह से केस टेकिंग करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो है केस टेकिंग जो है मैं फॉलो करता हूँ केंटियन कॉन्सेप्ट को, एफोरिज्म 83 से 83-104 केस टेकिंग है। केस टेकिंग होता क्या है, ये हेल्दी कन्वर्सेशन होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिगार्डिंग हिज कंप्लेंट, जो पेशेंट को कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेशेंट से बात करते हैं, उसी को हम लोग केस टेकिंग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट से सबसे पहले तो कंप्लेन प्रेजेंट कंप्लेन पूछते हैं कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें क्या आता है, प्रेजेंट कंप्लेन हो गया, मोडेलिटीज हो गया, एकम्पेनाइंग सिम्टम्स हो गया, फिर कनकॉमिटेंट हो गया। मीन्स अगर पेशेंट को सर में दर्द हो रहा है, राइट साइड सर में दर्द हो रहा है, तो सर दर्द पेशेंट आया हमसे बोला कि सर हमको सर में दर्द हो रहा है, तो कहां पे सर में दर्द हो रहा है, राइट साइड सर में दर्द हो रहा है, तो हमें एक पोजीशन मिल गया राइट साइड। कब घटता है कब बढ़ता है, पेशेंट बोलेगा सर धूप में जाते हैं तो बढ़ जाता है, कैसे आराम मिलता है, तो टाइट मारने पर आराम मिलता है। इस तरह से हम लोग सिम्टम्स लेते हैं। अब बात करेंगे एक प्रेजेंट कंप्लेंट, फिर क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ पास्ट कंप्लेंट पूछता हूँ कि क्या स्पेशली इन क्रोनिक डिजीज, अब हम लोग बात कर रहे हैं पुराने रोग में, कि क्या आज से पहले आपको कोई बड़ी बीमारी हुई थी, इसके अलावा जो अभी प्रेजेंट कंप्लेंट आपको है इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी आपको हुई थी। पेशेंट बताता है कि नहीं नहीं हुई थी, या बताता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी, फिर ये मेडिसिन हमने लिया ठीक हो गई, इस मेडिसिन से ठीक हो गया, ये हो गया। फिर हम लोग पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछते हैं, कोई बड़ी बीमारी, फैमिली हिस्ट्री में हम लोग हिस्ट्री स्पेशली लेते हैं उस पेशेंट के जो ब्लड रिलेटिव हैं उनका, जैसे उसके दादा दादी, पापा मम्मी और भाई बहन, फिर मैटरनल साइड में उसके नाना नानी और उसके मामा की हिस्ट्री लेते हैं कि इन लोगों को कोई बड़ी बीमारी है या नहीं है। फिर अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट का सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करता हूं अपना, सबसे पहले पूछता हूं एजुकेशन, कि आप पढ़ाई कितने तक किया आपने। पेशेंट बताता है कि सर मैं इतने तक पढ़ाई किया, अभी क्या करते हैं, इस तरह उसके मैं मेंटल सिम्टम्स लेना स्टार्ट करता हूँ। बताता है कि सर अभी तो मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अच्छा तो आपने, जैसे कोई पीएचडी है बोल रहा है कि ये काम कर रहा हूँ, तो मैं यहीं से फिर अपने हिसाब से मैं मेंटल सिम्टम्स लेता हूँ। इसमें मुझे क्या लेना होता है, जो मैं काम करता हूँ उसका एंगर डिजायर और वीपिंग टेंडेंसी, उसे गुस्सा कैसा रहता है, इस तरह की चीज़ें, मतलब मेरा इसको लेने का क्या मतलब है। सबसे पहले तो मेंटल सिम्टम्स जो लेते हैं उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं क्या ये पेशेंट अन्य से अलग है, कैसे अलग है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पेशेंट देख के भी दवा लिखी जा सकती है, जैसे पेशेंट ऐसे, मैं उंगली ऐसे ऐसे करके बात कर रहा हूं, प्लेइंग विद फिंगर, इसको हम लोग मेंटल सिम्टम्स में लेते हैं, गेस्चर प्लेइंग विद फिंगर। तो पेशेंट को देख के भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। पेशेंट से हम लोग बहुत सारी हिस्ट्री लेते हैं मेंटल सिम्टम से, कि आपको खाने आपको पसंद क्या है, खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, कोई डिल्यूजन कोई भ्रम तो नहीं है, इस तरह का उसका नेचर जानने की, स्पेशली हम लोग उस व्यक्ति का नेचर जानने की कोशिश करते हैं। जनरल सिम्टम्स में क्या करते हैं, उसका थर्स्ट पूछते हैं, उसका पसीना पूछते हैं, पसीना कैसा होता है, फिर
उसको उसको भूख कैसी है, खाने में क्या पसंद है। तो इसमें क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पेशेंट से ऑप्शन नहीं देना चाहिए। जैसे पेशेंट से पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, तो पेशेंट नहीं समझ पाया, तो अब आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि कोई ऐसी चीज जो आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद है, या कोई ऐसी चीज जो आपको खाने में पसंद नहीं है। इस तरह से हम लोग सिम्टम्स को पेशेंट से लेते हैं। बट कभी कभी क्या किया जाता है कि कुछ लोग इसमें ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि आपको मीठा पसंद है या नमकीन। पेशेंट क्या हुआ, दो ही में अब वो करेगा, सर हमको तो मीठा पसंद है या सर हमको नमकीन। एज ए होल कोई उसको डर है, मेंटल सिम्टम्स हैं, किसी चीज से कोई चिंता है, इस तरह के लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। हम लोगों का ये पूरा जो मैं प्रोसेस बताया, इसका मोटो सिर्फ दो है। एक तो है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को अन्य पेशेंट से अलग करना। दूसरा जो मोटो है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इससे हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं तीन फ्रेंड हम लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, पूरी धूप है, बाइक से जा रहे हैं, धूप लगी तो हो सकता है मुझे फीवर हो जाए, दूसरे फ्रेंड को डायरिया हो जाए, तीसरे को कुछ ना हो। यही पूरा प्रोसेस का यही सिंपल सा मतलब है कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केस कर रहे हैं, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट से अलग कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन, मैं स्पेशली इस तरह होम्योपैथी मेडिसिन का सिलेक्शन करता हूं। कुछ लोग बोनिंगहसन कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बोरिक मेटेरिया मेटका के अकॉर्डिंग, या फिर रेड लाइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, मियाजमेटिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करने का बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मोटो एक होता है सिंगल, पेशेंट को क्योर करना, पेशेंट को पूर्ण रूप से उसकी बीमारी से निजात दिलाना, यही हम लोग का मोटो होता है। सिमिलिमम मेडिसिन सर्च करना, ऐसी मेडिसिन सर्च करना जो कि उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हो। थैंक यू।